students, now we start our fifth question. Here you given a table in which three players plays different games, four games, and score different points. So here you have to answer the following question. Your first question is you have to find the average marks, the average points of getting by A. कि A ने जितने marks points get किए हैं four games में आपने उसका mean निकाला है. सो वट इज द फार्मूला फॉर मी, मीन का क्या फार्मूला होता है? दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो ए की गेम्स में फर्स्ट गेम में क्या 14 स्कोर, सेकेंड गेम में 16, थर्ड गेम में 10, देन इन फोर्थ इज ऑल्सो 10. सो वट इज देयर टोटल स्कोर एंड डिवाइडिंग बाय फोर गेम्स आर देयर डिवाइडिंग बाय फोर, 14 एंड 10 30, 14 एंड 16 30, 30 40 50, 50 बाय 4. So what is their average marks? 22 के टेबल में 2 2s are 4, 225s are 50. That is 25 by 2. That is 12.5. आप decimals में भी लिख सकते हैं 12.5. जब हम 25 को 2 से divide करते हैं, 2 1s are 2, so 5, 2 2s are 4, 1 फिर decimal लगाया 0, हमने decimal चपट किए हैं ना, 2 5s are 10. डेसिमल लगा के हम जीरोस ले सकते हैं. सो इट्स एवरेज मार्क्स बिकम्स 12.5. नाउ ही आस्किंग सेकंड क्वेश्चन कि हाउ मेनी द टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम बाय सी. सो वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4? व्हाई? कि अगर आपको सी की मीन पॉइंट्स निकालना है, मीन निकालना है, सो आप सी को किससे डिवाइड करेंगे? इसका मींस टोटल ऑब्जर्वेशन जो है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को, जैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 लेते हैं, तो यहाँ पे भी हम सी की जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेनी है, वो क्या लेंगे, 3 लेंगे या 4 लेंगे? वी टेकिंग 3 बिकॉज सी प्लेड 3 गेम्स. ये थर्ड तो उसने प्ले ही नहीं किया, सो व्हाई वी डिवाइडिंग बाय 4? हाँ, अगर इसने जीरो प्ले करता, जीरो स्कोर आता, तो हम 4 से डिवाइड करते. सो वी डिवाइड बाय 3 because C did not play game 3. You see, one game play ही नहीं किया game 3. Clear? Now you have to find the mean of point B player. So mean of B's point, B के जो points हैं, उसकी एवरेज निकालते हैं. मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, बिकॉज ही प्लेड 4 गेम्स ना, वन गेम में चाहे 0 आया है. 8 और 6 14, 14 एंड 4 18 बाय 4. सो 18 बाय 4 वी डिवाइडिंग बाय 2 2s आर 4, 2 9s आर 18. अब 9 बाय 2 हमारा पॉइंट्स में चेंज करते हैं, तो ये बन जाता है 4.5. क्लियर? डेसिमल्स में ये बन गया 4.5. यू कैन चेक आल्सो, 9 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4s आर 8, 1 डेसिमल लगाया 0 ली, 2 5s आर 10. क्लियर? अब उसके बाद उससे 4 पार्ट हमसे पूछा है कि हुज परफॉर्मेंस इज बेस्ट, किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है. तो इसका मतलब हमने ए और बी की तो निकाली, ए और बी में तो हमें दिख रहा है कि हाँ जी बी ए की अच्छी है, बट सी की, अब सी भी हमें देख रहा है, सो हम क्या निकालेंगे? मीन ऑफ सी. सी की हम मीन निकालते हैं 8 प्लस 11 प्लस 13, बट ही प्लेड 3 गेम्स ओनली, सो वी डिवाइडेड बाय 3. नाउ 8 प्लस 11 दैट इज 19 एंड 13. अब 19 और 13 हमारा कितना बन जाएगा? दैट इज 32 बाय 3. सो ये हमारा अप्रोक्सीमेट कितना बन गया, 3 1s आर 3, 3 2 नहीं चलता, 0.666 चलता रहेगा, 67. ठीक है, 32 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 10.676666 चलता रहेगा, तो हम जो है 10.67 लगा देंगे. नाउ वी हैव टू चेक हुज परफॉर्मेंस इज बेटर. ए की क्या है 12.5, बी की क्या है 4.5, सी की क्या है 10.67 या 10 पॉइंट समथिंग. क्लियर? सो यू हैव टू हुज परफॉर्मेंस इज बेस्ट. सो ए की जो है परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा है, सो ए इज द बेस्ट, ए हैज
best performance. Clear? The best performance is the best performer is A. That is our answer. A जो है वो best performer है.